हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब लोग ठीक हैं? और हम लोग पिछले क्लास में, जहाँ तक कि हमें याद है कि पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं बना चुका हूँ, आप लोग वीडियो देख चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 8 से स्टार्ट हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर एट आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चंस है, 1 और 2। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है आपके स्क्रीन पर, चलिए देखिए। तो हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और हमारा दिया हुआ है आपका 1AA² 1BB² 1CC² बराबर। प्रूफ करना है हमें, प्रमाणित करना है हमें A-B, B-C और C-A। तो देखते हैं हम लोग यहाँ कैसे प्रूफ होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग एलजीएस को देखते हुए आरचीएस को देखेंगे कि आरचीएस में मांग क्या रहा है, क्या प्रूफ करना है हमको। तो देखते हैं कि यहाँ पे प्रूफ करना है A-B। तो जरा देखते हैं A-B के लिए क्या करेंगे। हमको A-B चाहिए, B-C चाहिए। तो देखिए, यदि कॉलम में से कॉलम घटाते हैं तो 1-A आ रहा है, जबकि इसमें तो कोई ऐसी बातें नहीं कही गई है। लेकिन जब यहाँ देखते हैं कि R1 में से R2 को घटा रहे हैं, तो 1 में से तो 1 गया 0, लेकिन A में से B गया, तो A-B यानी मेरा पहला आ रहा है। यहाँ देखते हैं A²-B², इसे भी A-B और A+B होता है, तो A-B तो हमारा है। अब ये देखो, B में से C, दूसरा रो में से तीसरा रो घटाएंगे तो B-C हमको मिल रहा है, यानी कि 2 तो हमको मिल जा रहा है। तो हम लोग यही के लॉन्ग चलते हैं। तो हम क्या लाते हैं यहाँ पे, A लागू करते हैं यहाँ पे, R1 अप्लाई R1-R2 और R2 अप्लाई R2-R3। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्या, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं घटाना है, यहाँ से 1 में से 1 गया, 1-1 0, A में से B गया A-B, A² में से B² घटाना है तो A²-B². चलिए, 1 में से 1 तो 0, B में से C तो B-C और B²-C², तो B²-C², यहाँ से तीसरे को तो कुछ करना ही नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि हम R1 में से, ये मेरा R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो R1 में से A-B देखिए सब में कॉमन है, इसको एक बार और फैला लेते हैं ताकि आपकी बातें क्लियर हो जाए। तो ये A-B हो गया और ये हो जाएगा A-B और A+B, ये हो गया 0, ये हो गया B-C और ये हो गया A। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा हो गया B-C और B+C। इसको तो जस का तस लिख देना है, सॉरी यहाँ 1 है, ध्यान देना है 1 है, यहाँ भी 1 होगा C और ये C²। चलिए अब R1 में से देखिए, अब आसानी से A-B कमन ले सकते हैं और A-B कमन ले सकते हैं, B-C कमन ले सकते हैं, और देखिए ना ये B-C होगा, यहाँ B²-C² है ना, तब B-C या B+C होगा, तो B-C को कमन ले सकते हैं। तो लिखते हैं R1 एवं R2 में से, R1 एवं R2 में से A-B तथा B-C कॉमन लेने पर, तो चलते हैं यहाँ पे, हमारा है क्या, यहाँ पे लेते हैं कॉमन A-B और ये B-C, 0 1 A+B, 0 1 B+C, 1 C C²। तो हमारा इतना हो चुका। अब हम लोग इससे और आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए ना, हमको यहाँ दिख रहा है कि C1 में 2 कॉन्टेंस 0 मिल गया। अब इसके अलॉन्ग खोल देते हैं, तो लिखेंगे क्या हम लोग, C1 के अलॉन्ग ओपन करने पर। तो चलिए खोलते हैं। तो हमारा सबसे पहले तो A-B हो गया और B-C हो गया,
जीरो जीरो, तो ये तो ऐसे जीरो हो गया। वन को लेते हैं, जब वन को लेंगे तो ये वाला ख़त्म और ये वाला ख़त्म, तो मेरा क्या बच गया, ये बच गया ना, तो बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि ए माइनस बी और बी माइनस सी, ये देखते हैं कि b प्लस सी माइनस ए प्लस बी, देखिए ना ये शायद प्लस b होगा, ये प्लस b है तो माइनस b हो जाएगा, तो क्या होगा ये कट जाएगा आपका, तो आपको क्या मिल गया a माइनस बी और b माइनस सी, और क्या मिल गया c माइनस ए, और यही आपको RHS प्रूव करना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया, और क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 2 अब हम बनाने जा रहे हैं। आप लोग इसको क्लियर से देख सकते हैं, यदि कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, स्क्रीन पे आ रहा है जो अभी आपके स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर मेरा आ रहा होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, एक तो हमारा हो गया, 2 में चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा ये। अब यहाँ हम लोग देखने जा रहे हैं कि LHS दिया है 111 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू, और प्रूफ क्या करना है ए माइनस बी। तो सबसे मेरा प्रथम वर्क ये हुआ कि RHS में ए माइनस बी आएगा कैसे। देखिए 1 में से ए घटाएंगे तो क्या 1 माइनस ए हो जाएगा, हमको ए माइनस बी चाहिए, यानी ए में से बी घटाने पर ए माइनस बी, अब बी माइनस सी तो बी माइनस सी, यानी देखिए 2 फॉलो कर रहा है हमारा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से रो अनुसार नहीं है, कॉलम के अनुसार चलते हैं। तो लिखते हैं सी वन अप्लाई सी वन माइनस सी टू, और सी टू अप्लाई सी टू माइनस सी थ्री। अब यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, तो वन में से वन गया जीरो, अब वन में से वन गया जीरो, ए माइनस बी और बी माइनस सी, ये वन और ये सी, ये ए क्यू माइनस बी क्यू और बी क्यू माइनस सी क्यू और ये सी क्यू। देखिए यहाँ तक तो हम लोग कर चुके, अब देखिए क्या होगा, अब ये कुछ फॉर्मूले पे बैठ रहा है, थोड़ा सा इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, थोड़ा सा विस्तार से चलेंगे। जीरो जीरो एक यहाँ ऐसे लेंगे, यहाँ एक ले लेते हैं, ये ए माइनस बी और ये बी माइनस सी और ये हो गया सी, ये हो जाएगा। देखिए एक फार्मूला होता है, समझेंगे सब लोग, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले के सब लोग ध्यान में रखेंगे ताकि ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो इसके अनुसार हो जाएगा ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर। अब देखिए, अब सी वन सी टू में से कॉमन ले सकते हैं, लिखते हैं सी वन एवं सी टू में से क्रमशः ए माइनस बी एवं बी माइनस सी कॉमन लेने पर। तो चलिए कॉमन लेते हैं, तो कैसे कॉमन लेंगे, यहाँ पे a माइनस बी और b माइनस सी। चलिए तो ये हो गया जीरो वन, और ये बच गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये जीरो ये वन, और ये बच गया बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये बच गया वन सी और सी स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, तो चले आते हैं इससे आगे, इससे आगे अब देखते हैं कि जब हमको एक ही रूम में 2 शून्य मिल गया तो आगे बढ़ने से ज़्यादा प्रॉफिट है ना कि यहीं से इसको तोड़ दिया जाए, ओपन कर दिया जाए। तो लिखा जाए आर वन के अनुसार ओपन करने पर
तो ओपन करते हैं तो हमारा a माइनस बी और b माइनस सी तो हमारा हो गया। तो ये देखिए एक जीरो, तो पहले क्या कर लेंगे, जीरो प्लस जीरो अब प्लस वन, इसमें हमारा आ जाएगा क्या, आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी अब प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे ए माइनस बी, बी माइनस सी, देख सकते हैं आप लोग, जीरो जीरो है तो ख़त्म करिए उसको, चले आइए वन, इसको ले लीजिए, यानी कि बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। प्लस माइनस ख़त्म हो गया आपका, क्या बच गया, ए माइनस बी बच गया और ये बी माइनस सी बच गया। अब यहाँ से देख सकते हैं कि बचा है बी सी माइनस ए बी और ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको और फैला के तोड़ सकते हैं, ए माइनस बी और बी माइनस सी, देखिए यहाँ से बी कॉमन ले सकते हो आप तो सी माइनस ए हो गया, यहाँ पे सी प्लस ए और सी माइनस ए फॉर्मूले से टूट के हो जाएगा। अब ये देखिए ए माइनस बी और ये बी माइनस सी और ये हो गया, यहाँ से b माइनस सी कॉमन निकाल सकते हैं, b माइनस सी कॉमन निकाल सकते हैं, बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, b माइनस सी कॉमन निकाल लेते हैं, सॉरी c माइनस ए है ना, c माइनस ए है, c माइनस ए कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बच गया हमारा b और प्लस c या प्लस a। देखिए ना तो आपके स्क्रीन पे तो अब दिख रहा है कि a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए और ये बच गया a प्लस बी या प्लस सी, जो कि आपका क्या था, ये RHS था और ये क्या हो गया, इस तरह से आपका RHS प्रूव्ड हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों हम लोगों ने फिनिश कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं हम लोग, तो इसमें कहीं डाउट हो, मैं आपसे बारी बारी बोल रहा हूँ, यदि कहीं डाउट होता है कृपया पहले वीडियो को दोबारा देखें, दोबारा देखकर डाउट क्लियर ना हो पाता है तो आप आसानी से मेरे WhatsApp नंबर जो अभी जस्ट अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा मेरा WhatsApp नंबर, उस WhatsApp नंबर पर मैसेज करें, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, कहाँ क्या डाउट है उसका एकदम क्लियर, डाउट एकदम क्लियर करा दिया जाएगा, आप WhatsApp से पूछ सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हमारा LHS है ये और RHS ये है हमारा, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में फ्रॉम LHS लेते हैं x, एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब देख सकते हैं सबसे पहले प्रूफ करने से पहले एक बार हम लोगों को RHS की ओर देख लेना होगा कि RHS में वास्तव में मांग क्या रहा है, क्या प्रूफ करना है, यानी कि अपने मन से क्वेश्चन लिखे और अपने मन से लग गए, नहीं पहले एक बार हम लोग RHS की ओर देख लेंगे कि वाकई मांग क्या रहा है। देखिए यहाँ x माइनस वाई मांग रहा है, तो क्या करेंगे भाई, तो अगर देखें तो कॉलम में से घटाएंगे x माइनस एक्स, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है हमारा x माइनस एक्स स्क्वायर हो जा रहा है, तो कुछ तो कर नहीं पाएंगे। लेकिन देखते हैं यहाँ पे कि हमको x माइनस वाई चाहिए, तो हम देखें ना आर वन में से आर टू घटाते हैं, तो x माइनस वाई और y माइनस जेड, हमको दो चीज़ तो अभी ही मिल गया ना, तो चलते हैं क्या लिखते हैं, आर वन अप्लाई आर वन माइनस आर टू और आर टू अप्लाई आर टू माइनस आर थ्री। चलिए अब देखिए तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये देख लेते हैं y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई और ये हो गया जेड और ये हो गया जेड स्क्वायर और ये हो गया एक्स वाई। चलिए अब देख लेते हैं, तो देखिए ना हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, भले कॉमन लेने से पहले थोड़ा सा एक बार इसको विस्तार से थोड़ा सा फैला लेते हैं, तो देखते हैं क्या हम चले जाते हैं यहाँ पे कि एक्स माइनस वाई और ये एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और देखो ना यहाँ पे हमको चाहिए
एक्स माइनस वाई चाहिए, तो जेड कॉमन लेते हैं, माइनस जेड कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स पॉजिटिव हो जाएगा हमारा, क्योंकि स्टार्टिंग में पॉजिटिव चाहिए, देख रहे हैं यहाँ पे एक्स माइनस वाई, यानी एक्स का मान पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं, माइनस एक्स कॉमन, माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं, तो हो गया एक्स माइनस वाई। चल दूसरे पर चलते हैं, तो वाई माइनस जेड और वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड, और ये चल जाते हैं, यहाँ भी हमको वाई माइनस जेड चाहिए तो माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो वाई माइनस जेड हो गया हमारा। अब चलिए ये हो गया जेड और ये हो गया जेड स्क्वायर और हो गया ये एक्स वाई, तो यहाँ तक हो चुका। अब देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इसमें से तो एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं, तो लिखते हैं आर वन एवं आर टू में से क्रमशः एक्स माइनस वाई तथा वाई माइनस जेड कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर थोड़ा सा स्क्रीन देखते हैं, तो कॉमन लेने पर हम लोग यहाँ देखते हैं क्या लेने पर चलते हैं, तो कॉमन क्या लेंगे, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, तो क्या हमारा हो जाएगा वन, ये एक्स प्लस वाई और ये माइनस जेड और ये वन और ये हो गया वाई प्लस जेड और माइनस एक्स और ये हो गया जेड और ये हो गया जेड स्क्वायर और ये एक्स वाई। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ से क्या कि हमारा इतना काम तो हो गया, अब नेक्स्ट काम क्या करना है, थोड़ा सा नेक्स्ट काम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे अब, ताकि हम कुछ कर पाते हैं नहीं पाते हैं, तो अब देखते हैं यहाँ से R2 में से ज़रा R1 घटाकर देखते हैं, जब R2 में से R1 घटाएंगे, R2 में से R1 घटाएंगे तो ध्यान दीजिएगा हमको चाहिए तीसरा देखिए ऐसा करते हैं, दो किसी या तो रो के अवयव को या तो कॉलम के अवयव दो को शून्य करने की कोशिश करते हैं, तो यदि मान लेते हैं यहाँ पे R2 में से R1 घटा लेते हैं, तो R2 में से R1 घटा इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, लिखते हैं R2 अप्लाई R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 लिखते हैं, तो ये हम लिखते हैं x माइनस वाई और y माइनस जेड, अब यहाँ चलते हैं वन एक्स प्लस वाई माइनस जेड ये हो गया शून्य और घटेगा देखिए तो y ख़त्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा जेड माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस एक्स और प्लस जेड हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट जेड माइनस एक्स, ठीक है, और इसके बाद इसको लिखते हैं जेड स्क्वायर जेड और जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब तो हमारे बोर्ड पे स्क्रीन बचा है नहीं, तो थोड़ा सा पीछे से हम लोग मिटाते हैं, तो आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं, तो मैं पीछे से मिटा रहा हूँ, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा आरजेस में एक बात छोटा हुआ है यहाँ पे जेड माइनस एक्स क्वेश्चन से मिसिंग था ये, तो जेड माइनस एक्स छोटा हुआ है, यानी क्या है वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, इसके बाद में है थोड़ा सा मैं क्वेश्चन आपसे लिख दे रहा हूँ, है आपका वाई एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आपका है RHS आपका। तो हम लोग चलते हैं यहाँ से इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद हम लोग देख लेते हैं क्या, और लोग हम यहाँ से यहाँ की ओर आ जाएंगे, तो हम R2 में से जेड माइनस एक्स कॉमन लेने पर तो
तो ले लेते हैं x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया, वन एक्स प्लस वाई माइनस जेड और ये जीरो वन वन और ये हो गया जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। चलिए यहाँ हो गया। अब ऐसा कुछ करते हैं ताकि एक और पद हमारा शून्य हो जाए। तो चलो ना, यदि यहाँ से क्या करते हैं ना कि हम लोग घटा लेते हैं इसमें से, इसको घटा लेते हैं यानी सी टू में से सी थ्री को घटाते हैं। तो अप्लाई करते हैं सी टू, तो सी टू माइनस सी थ्री कर लेते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, सी टू में जब सी थ्री घटाएंगे तो ये भी मेरा शून्य हो जाएगा। अब दो अवयव जब शून्य कर लेते हैं, हम लोग ओपन कर लेंगे इसको, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। वन देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और माइनस जेड रहने दिया जाए। अभी देखिए जीरो ये हो गया, एक में से गया जीरो, ये एक और ये जेड, ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और ये हमारा हो गया एक्स वाई। फिर थोड़ा इधर की ओर साफ करते हैं हम लोग बोर्ड। और हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इसके बाद हम लोग यहाँ से आते हैं, इसको छोड़ चुके हैं तो इसको पहले नोट कर लेते हैं, x माइनस वाई और y माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। यहाँ चलते हैं स्क्रीन पे लेकर के, तो हमारा है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। एक बार फिर इसको लिख देते हैं, वन एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड जीरो जीरो वन जेड जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और ये एक्स वाई। अब देखिए ना आपके स्क्रीन पर आर टू का दो अवयव शून्य हो चुका है। यहाँ से इसको खोल दीजिए, इसे खोलिए तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो क्या बच गया आपका, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। देखिए तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया एक, तो रहने दीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे कि जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई या प्लस जेड। इसको फिर तोड़ लेते हैं हम लोग, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब देखिए इसको तोड़ते हैं थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो इधर से देखेंगे ये माइनस जेड एक्स और ये हो गया, और ये हो गया माइनस वाई जेड और माइनस जेड स्क्वायर। तो देखिए ना यहाँ से ये ख़त्म हो गया और ये बच गया, देखिए तो प्लस माइनस प्लस हो गया। तो ये देखिए ये प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस और प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस यहाँ पे, तो माइनस वन कॉमन में लिए रहेंगे हम लोग। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, तो एक्स प्लस वाई और वाई माइनस जेड, सॉरी ये माइनस है और ये जेड माइनस एक्स और माइनस से कॉमन रखिए और ये आपका हो गया एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। अब जब माइनस से गुना कर देंगे तो सारे नेगेटिव क्या हो जाएंगे, हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो हो गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स बराबर आर एच एस और ये प्रमाणित हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्लियर, और यही हमको प्रूफ दे दे, थोड़ा सा पहले क्वेश्चन में ये मिसिंग हो गया था, तो आप लोग इससे कोई बात नहीं है, क्वेश्चन का छुटा हुआ बात है, क्वेश्चन मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, इसको मैंने एडिट कर दिया है तो इसको देख सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन पूरा कम्प्लीट हो चुका है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 10 हो या जो भी हो देखते हैं उसमें। तो चलते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है जिसमें मैं पहला लिख चुका हूँ और प्रूफ क्या करने के एक्स प्लस फोर टू एक्स टू एक्स टू एक्स एक्स प्लस फोर टू एक्स टू एक्स टू एक्स एक्स प्लस फोर बराबर फाइव एक्स प्लस फोर इंटू फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले आर्जन मेरा फाइव एक्स प्लस फोर दिया है तो क्या करते हैं, देखो तो सबको जोड़ते हैं सीवन दो दो चार पाँच प्लस फोर, ऐसे भी हो जा रहा है ऐसे भी हो जा रहा है, तो हम सबसे पहले रूल के अनुसार चलते हैं। तो लिखते हैं आर वन, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री चलते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, दो दो चार चार एक पाँच यानी कि फाइव एक्स प्लस फोर और ये टू एक्स और ये टू एक्स, सॉरी इसे भी फाइव एक्स प्लस फोर, देखिए दो दो चार एक पाँच यानी कि फाइव एक्स प्लस फोर और ये हो गया टू एक्स एक्स प्लस फोर टू एक्स टू एक्स टू एक्स और एक्स प्लस फोर, हमारा यहाँ तक ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमको क्या प्रूफ करना है, तो इस हम लोग देखेंगे आरएचएस की ओर जब देखेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ से हम लोग जो प्रूफ कर रहे हैं ना तो हमको ये कॉमन लेना है। तो क्या आर वन में ये सी है कि नहीं, सब में देखें यहाँ भी है यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्या कर लेते हैं, लिखते हैं आर वन में से फाइव एक्स प्लस फोर कॉमन लेने पर, तो कॉमन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो फाइव एक्स प्लस फोर कॉमन लेते हैं, वन 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 टू एक्स एक्स प्लस फोर टू एक्स टू एक्स टू एक्स और एक्स प्लस फोर। अब देखिए ना, अब क्या करना है, तो एक्स माइनस फोर कॉमन लेना है। तो देखो ना, एक्स माइनस फोर करने के लिए हम क्या करें कि हमारा एक्स माइनस फोर आ जाए, तो देखते हैं कि सी टू में से सीवन घटा दें अच्छा है, तो देखो ना सबसे पहले प्लस में फोर चाहिए, प्लस में फोर चाहिए ना, तो क्या करेंगे देखो ना, सी टू में सी थ्री भी घटा सकते हैं, सी टू में सीवन भी घटा सकते हैं, सी टू में से सी थ्री घटा दे चाहे सी टू में से सीवन घटा दे, कोई घटा दे हमारा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, तो हम चलते हैं सी टू में सीवन ही घटाते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या कि लिखते हैं अप्लाई सी टू माइनस सी टू अप्लाई सी टू माइनस सीवन, तो यहाँ देख के हम लोग चलते हैं क्या चलते हैं। अब देखिए तो ये हो गया हमारा फाइव एक्स प्लस फोर, ये तो हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे सी टू में से सी वन को घटाना है, तो सी टू ये है वन में से वन गया जीरो, पहला वन तो ये तो जीरो, ये टू एक्स और ये टू एक्स और एक्स प्लस फोर में से टू एक्स गया यानी कि एक्स माइनस टू एक्स यानी कि माइनस एक्स यानी कि फोर माइनस एक्स और ये तो 2x और 2x में से 2x गया शून्य हो गया और ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा 1 और 2x और ये हो गया x प्लस फोर हो गया। अब देखिए ना, सी टू में से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कॉमन, तो लिख सकते हैं कि सी टू में से क्रमशः 4 माइनस एक्स कॉमन लेने पर, तो लेते हैं फाइव एक्स प्लस फोर तो ऑलरेडी पहले से है और ये फोर माइनस एक्स अभी भी हो गया, ये वन टू एक्स टू एक्स जीरो वन जीरो वन टू एक्स और एक्स प्लस फोर। अब देखिए ना, अब इसके अलोंग खोल दिया जाए ऐसे ख़त्म, तो हमारा क्या बच जाता है, देखिए जब दो ठो शून्य हो गया किसी रो या कॉलम में, मैंने एक बात हमेशा मैं रट रहा हूँ कि जब किसी रो हो या कॉलम हो और उसके दो एलिमेंट्स यानी दो अवयव जब शून्य हो जाते हैं तो उसके अलोंग ओपन कर दीजिए, देखिए ये भी शून्य ये भी शून्य, तो इसके अलोंग ओपन करते थे, ये ख़त्म ये ख़त्म, देखो ये ख़त्म और ये ख़त्म, क्या बच गए, ये बच गए, तो हो गया फाइव एक्स प्लस फोर और ये फोर माइनस एक्स और यहाँ पर लेते हैं क्या, ये ध्यान देना होगा माइनस होगा माइनस होगा ये, तो क्या करेंगे, तो ध्यान देना होगा कि प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस और ये क्या है, तो हमारा वन है, तो माइनस वन का मान लेते हैं और देखते हैं, तो एक्स प्लस फोर और माइनस टू एक्स, तो हमारा क्या हो जाएगा ये, तो ये माइनस है
वन है तो उसको तो छोड़ देते हैं ना, जब इसको लेंगे तो इसको तो ख़त्म कर दिया जाए यहाँ से, वन ये भी फिनिश, तो हमारा बच के गया यही ना, मेरा बच गया, तो बच गया x प्लस फोर और माइनस टू एक्स, तो हो गया आपका 5x प्लस फोर और 4 माइनस एक्स, और ये हो गया जो x प्लस फोर और माइनस टू एक्स, तो हो गया 5x प्लस फोर और 4 माइनस एक्स, और हो गया ये 4 माइनस एक्स, तो क्या लिख सकते हैं 5x प्लस फोर और ये हो गया 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और बराबर यही प्रूफ करना था, आपको ये भी क्लियर हो गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं आप लोग। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1, एसआई 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है, x प्लस फोर टू एक्स प्लस टू एक्स टू एक्स, एक्स प्लस फोर टू एक्स टू एक्स टू एक्स, एक्स प्लस फोर, अब प्रूफ करना है 5x प्लस फोर और 4 माइनस एक्स, यही हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ चलते हैं, यहाँ लिखते हैं कि हम लोग देखो, सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पे x प्लस फोर, अब 2x प्लस टू एक्स यानी दो दो चार चार एक पाँच, यानी 5x हो गया प्लस फोर भी दिख रहा है, तो यहाँ से क्या करते हैं अप्लाई कर देते हैं R1 अप्लाई R1 प्लस R2 प्लस R3, हम लोग यही अप्लाई करने जा रहे हैं, ध्यान देंगे हम लोग। तो ये अप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं कि अप्लाई करते हैं तो दो दो चार फोर एक्स एक फाइव एक्स, यानी 5x प्लस फोर, ये भी हो जाएगा 5x प्लस फोर, ये भी हो जाएगा 5x प्लस फोर, देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए इसको फिर ऐसे लिखेंगे 2x 2x x प्लस फोर 2x और 2x और x प्लस फोर। अब देखिए अब लिखते हैं R1 में से 5x प्लस फोर कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर देख सकते हैं क्या कि 5x प्लस फोर कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं 1 1 1 2x x प्लस फोर 2x 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 और x प्लस फोर। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब हमको 4 माइनस एक्स चाहिए, तो देख सकते हैं यहाँ से क्या कि C2 में से C1 घटाते हैं तो क्या देखो x आप प्लस फोर आप माइनस टू एक्स, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस वाला बड़ा हो जाएगा यानी 4 माइनस एक्स आ जाएगा। तो क्या करते हैं यहाँ से लिखते हैं C2 अप्लाई C2 माइनस C1 और लिख क्या सकते हैं यहाँ से 1 1 1 और घटाते हैं तो इसमें से C2 में से C1 घटाएंगे तो ये मेरा 0 हो जाएगा, ध्यान देंगे 0 हो जाएगा, और ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा तो 2x हमारा रह जाएगा और ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा और ये 2x रहेगा ये 0 हो जाएगा और ये तो जस का तस हो जाएगा हमारा x प्लस 4। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा लोग, यहाँ पे थोड़ा सा हौचपोच हो चुका है और एक्चुअली तार पैर में फंस जा रहा है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि फोर माइनस एक्स थोड़ा सा हचपच हुआ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बातें समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो करने के बाद हम वो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ से C2 में से 4 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो लिख सक रहे हैं कि C2 में से 4 माइनस एक्स कॉमन लेने पर, तो क्या कॉमन लेते हैं 1 0 1 2x 1 2x 2x 0 और x प्लस फोर। अब देखें ना इसमें से क्या कॉमन लेते हैं हम 5x प्लस फोर और ये क्या हो गया, कॉमन लिए हैं 4 माइनस एक्स, कॉमन क्या लिया गया है 4 माइनस एक्स कॉमन लिया गया है। अब चलिए अब क्या करते हैं, अब देखते हैं ना C
थ्री में से सी वन को माइनस करते हैं, सी थ्री अप्लाई सी थ्री माइनस सी वन, तब ये शून्य हो जाएगा हमारा, तो इसके अलॉन्ग खोलेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स और ये 100, 2x 10 और 2x 0 और ये 4 माइनस एक्स। अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए ना अब एकदम आसान हो गया, R1 का दोनों एलिमेंट जीरो हो गया, शून्य हो गया, तो R1 के लॉन्ग हम लोग क्या करते हैं, खोलते हैं, तो लिखते हैं ओपन ए लॉन्ग R1, थोड़ा सा इंग्लिश लिखना भी सीखिए लोग, ज़्यादा बेटर होगा। तो ये 5x प्लस 4 और ये हो गया 4 माइनस एक्स, इसके लॉन्ग खोलेंगे तो ये रो ख़त्म, इससे हो गया यानी 4 माइनस एक्स आ जीरो में से गया तो जीरो। अब आपको यहाँ मिल गया, देखिए ना आपको RHS दिखाई दे रहा होगा, 4 माइनस एक्स अब 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर शून्य है तो ख़त्म हो गया और बराबर हमारा हो गया RHS और ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखते हैं हम लोग, चलिए स्क्रीन पे आ रहा है आप लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 10 का दो नंबर क्वेश्चन हमारा है वाई प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 और वाई प्लस के, एकदम सेम 20 क्वेश्चन हैं और हमको प्रूफ क्या करना है, के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। तो थोड़ा सा इसको चलते हुए हम लोग RHS की ओर भी पहले निगाह डालेंगे कि कह क्या रहा है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सोल्यूशन में फ्रॉम LHS। तो LHS हम देखते हैं हमारा y प्लस के वाई और वाई और वाई और वाई प्लस के और वाई 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 और वाई प्लस के। एक बार मैंने इसको लिख दिया आप लोगों के सामने। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से करेंगे क्या, एक काम करते हैं, देखो ना सी वन भी जोड़ने पर सब सी वन सी टू जोड़ने पर ना थ्री वाई प्लस के थ्री वाई प्लस के थ्री वाई प्लस के और आर वन पे, तो सबसे पहले प्राथमिकता हम लोग आर रो का देते हैं। तो चलते हैं लिखते हैं आर वन अप्लाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। बात ध्यान देंगे हम लोग इसमें, सबसे पहले आर पर ध्यान देंगे, सी भी जोड़ने पर आ रहा है बट हम आर वन से चल रहे हैं, आर से चल रहे हैं यानी कि रो से मैं चल रहा हूँ। तो सबको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई प्लस वाई यानी थ्री वाई प्लस के। तो देखो ना हमको एक चीज़ तो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है तो वो चलते हैं। चलिए तो थ्री वाई या प्लस के थ्री वाई प्लस के थ्री वाई या प्लस के। अब देखते हैं ये वाई है और वाई प्लस के वाई और ये वाई और ये वाई और ये वाई प्लस के। अब R1 में तो सब में थ्री वाई प्लस के थ्री वाई प्लस के थ्री वाई प्लस के, तो हम R1 से कमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या कमन ले सकते हैं, लिख सकते हैं कि R1 में से थ्री वाई प्लस के कॉमन लेने पर तो क्या ले लेंगे, तो थ्री वाई प्लस के मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, वन 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 और ये वाई और वाई प्लस के वाई 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 और ये वाई प्लस के। चलिए ना अब यहाँ देखिए, अब हम देख लेते हैं कितना तो हमारा हो गया, अब की स्क्वायर लाना है। देखिए यहाँ से भी हम लोग खोलेंगे तो हमारा उतना मान आएगा बट कुछ ऐसा प्रोसेस हम लोग कर लेते हैं ताकि हमारा ये आसान हो जाए। तो क्या करते हैं कि ज़रा आर टू में से आर थ्री को घटा के देख लेते हैं। देखो ना आर टू में से आर थ्री घटाएंगे तो ये हमारा शून्य हो जाएगा का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वाई वाई कट के बच जाएगा, ये भी वाई वाई कट के बच जाएगा, तो हमारा कुछ तो काम सज सकता है यहाँ से। तो चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या बोला कि यहाँ पे हम लोग आर टू में से आर थ्री को घटा लेते हैं, क्या करते हैं आर टू में से आर थ्री को घटा लेते हैं। तो लिखते हैं अप्लाई आर टू माइनस आर थ्री, तो ये थ्री वाई प्लस के और देखिए वन वन वन। अब आर टू में से आर थ्री करते वाई में से वाई गया तो शून्य और ये वाई और देखना ये मेरा क्या हो जाएगा ये मेरा क्या हो जाएगा के हो जाएगा और ये वाई और ये क्या बच जाएगा माइनस के और ये वाई प्लस
के बच गया। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ से, हम लोग यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं तो हमारा आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहीं से ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे ओपन कर लेते हैं हम लोग, देखिए तो ये वन है, ये वाई है, ये वन है, जीरो है, वाई है, तो इसके अलॉन्ग ओपन कर लेते हैं। तो एक तो शून्य हमको मिला ना, तो इसको अलॉन्ग ओपन कर लेते हैं। तो थ्री वाई प्लस के, पहले वन लेंगे तो प्लस है, प्लस माइनस, तो प्लस वन इंटू में, तो क्या हो जाएगा, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये बच गया, तो के इंटू वाई प्लस के माइनस वाई के, तो माइनस प्लस वाई के हो गया। चलिए फिर देखते हैं, तो ये शून्य, तो शून्य रख दिया जाए, अब फिर प्लस, माइनस शून्य होगा तो माइनस, देखिए प्लस और ये माइनस और ये क्या जी प्लस, तो इसके लिए माइनस शून्य हो गया। वाई ले लेते हैं, तो वाई हमारा हो गया प्लस में, और इंटू में लेते हैं तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो क्या बच गया, माइनस के और माइनस के। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग थ्री वाई प्लस के, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और देखिए के वाई प्लस के स्क्वायर प्लस वाई के, और ये प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस टू के वाई। अब यहाँ देखिए तो के वाई दो और दो से ख़त्म, तो क्या बच गया हमारा, के स्क्वायर बच गया, तो बच गया के स्क्वायर और थ्री वाई या प्लस के, जो हमारा आरएचएस यही मांग रहा था, और क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। तो देखिए ऐसे करके इसको बना लेना है, ये क्वेश्चन नंबर 10 का दो नंबर भी क्वेश्चन हो गया आपका। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए ये दिया हुआ है इतना, और प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, ए प्लस बी प्लस सी का क्यू। तो अब जरा देखिए, तो यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं, देखिए आर वन आर टू आर थ्री को जोड़ सकते हैं, तो ए बी सी मिल सकता है। देखिए कैसे, ये तो ए हमारा है, माइनस बी है, माइनस बी में प्लस टू भी जोड़ेंगे तो प्लस बी हो जाएगा, माइनस सी में प्लस टू सी जोड़ेंगे तो प्लस सी हो जाएगा, यानी हर हाल में ये सब उतना ऐड करके हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ से, आर वन अप्लाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो देखिए करने पर क्या हो जाएगा, ये ए माइनस बी या माइनस सी या प्लस टू बी या प्लस टू सी। तो देखिए ए तो ए हो गया, टू बी में से बी गया, बी बच गया, टू सी में से सी गया, सी बच गया, तो लिख सकते हैं ए प्लस बी या प्लस सी। अब उसे देखिए, अब इसमें से क्या होगा, घटेगा तो टू ए माइनस बी माइनस सी और माइनस ए, ध्यान देंगे यहाँ पे, और प्लस टू सी, प्लस करना है प्लस टू सी। तो देखिए टू ए में से ए गया तो ए बच गया, अब बी तो हमारा है ये है, और टू सी में से सी गया तो सी बच गया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इसी तरह से बी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। चलिए अब देख सकते हैं टू बी बी माइनस सी माइनस ए, टू बी टू सी टू सी सी माइनस ए और माइनस बी, यहाँ तक तो हो गया। थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, हम रफ स्केच को क्लियर कर लेते हैं ताकि ये ना रहे। अब देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ से आर वन से आर वन में से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं, वन वन वन, टू बी बी माइनस सी माइनस ए, टू बी और टू सी टू सी सी माइनस ए माइनस बी। चलिए यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यदि इसमें से इसको घटा दे तो ये शून्य हो जाएगा हमारा, इसमें से इसको घटा दे तो भी हमारा शून्य हो जाएगा,
तो कुछ ऐसा करना कि या तो रो में से घटाते हैं या तो कॉलम में से घटाते हैं। तो ऐसा करते हैं कि C1 में से C2 को ही घटा देते हैं, तो देखते हैं घटा के हमारा प्रॉफिट क्या होता है। तो यहाँ लिखते हैं C2 अप्लाई C2 माइनस C1, C2 में से हमने C1 को घटा दिया, तो देखते हैं कि हम लोग यहाँ से क्या पाते हैं। चलिए, तो C2 में C1 को घटाना है हम लोगों को, तो क्या हो पाता है? तो C2 में C1 घटाते हैं तो क्या होता है, 2B-1, नहीं कुछ तो नहीं हो पा रहा है, ऐसा तो कुछ मांग नहीं रहा है, हटाओ। अब जो चलते हैं C1 में से C2 को घटाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। C1 में से C2 घटाते हैं तो C1 में अप्लाई कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। बात समझना होगा थोड़ा सा, यहाँ पे कभी कभी माइंड कन्वर्सन होता है कि यहाँ क्या करें। तो देखिए ना, अगर हम पहले तो C2 में C1 घटाते क्या हो रहा था, ये देखो ना बी अब माइनस बी, तो माइनस बी में चला आता ना, तो ऐसा करते हैं ना कि क्या कर दिए कि इसमें से ही इसको घटा लिया गया। अब देखते हैं क्या होता है हमारा। तो घटाने के बाद हम देखते हैं कि हमारा ये हो गया C1 में से C2 घटाना है, तो 1 में से 1 गया 0, 1 1। 2B में से ये घटेगा तो ये को तो B बच जाएगा, B प्लस C प्लस A, और ये हो गया B माइनस C माइनस A, और ये 2B, ये क्या हो गया 2C में से 2C गया 0, और क्या बच गया, ये 2C बच गया, और ये क्या बच गया C माइनस A माइनस B। अब यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि आपको पहले तो कॉमन जो है उसको लिख लीजिए, A प्लस B या प्लस C, देख सकते हैं यहाँ से। अब देखिए ना, हमारा C1 का 2 एलिमेंट्स शून्य हो चुका है, तो इसी के अलाउंस खोल देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, इसके अलाउंस खोलेंगे तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, क्या हमको बच जाता है यहाँ देखिए, तो ये प्लस और ये माइनस, तो पहले तो माइनस बच जाता है, ए प्लस बी या प्लस सी, और माइनस वन कॉमन में लेते हैं और इसको इसमें घेर लेते हैं। तो क्या लिखते हैं यहाँ से ध्यान देंगे हम लोग, तो पहले तो इसको लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, बी प्लस सी और प्लस ए ना, प्लस ए, प्लस ए और माइनस क्या बच जाएगा, ये बच गया माइनस टू सी, माइनस टू सी बच जाएगा, देखिए ऐसे और ऐसे। तो ये तो लिखा गया, तो पहले इसको एक बार फिर से लिखेंगे ना, तब ना होगा, इसमें इससे गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, सी माइनस ए माइनस बी और माइनस टू सी। अब ये चलिए, अभी देखिए ए प्लस बी और प्लस सी, ये माइनस है हमारा ध्यान में देना होगा, और ये बी प्लस सी, तो इसको ए प्लस बी या प्लस सी लिख सकते हैं। अभी देखिए माइनस ए माइनस बी, आप देखो ना माइनस टू सी या प्लस सी, यानी कि माइनस सी। अब ये देख सकते हैं यहाँ से कि ए प्लस बी प्लस सी, अब यहाँ देखिए माइनस है तो इसमें सबसे गुणा कर देते हैं तो सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए तो 1, 2 और 3, तो लिख सकते हैं कि ए प्लस बी और प्लस सी का होल क्यूब हमारा क्या हो गया, ये RHS, यही प्रूव करना था और हम लोग प्रूव कर लिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखें वीडियो, अब आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। याद रखेंगे, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। चलिए आज भर के लिए इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। बाय।